गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज की मॉर्निंग अजीब सी है, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज इज़ फॉर रियल गाइस, क्योंकि अभी बारिश पड़ रही थी यहाँ। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बारिश गई नहीं है और ठंड आ चुकी है, क्योंकि आज सुबह से इट्स अ लिटिल कोल्ड ब्रीज आउट देयर। तो हमने तो भाई पूरी अब मतलब स्वेटर वेटर निकाल लें। भैया क्या हो रहा है, मतलब स्नोफॉल ना हो जाए बॉम्बे में। ये देखिए हमारी बिल्लू ले रही है, पप्पिशा धूप ले रही है बिल्लू। सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कदिशना, गुड मॉर्निंग कदिशना। दिवाली आ रही तो सुबह से दिवाली का काम चल रहा है, साफ़ सफाई चल रही है। खैर मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, बट सबसे काम करवा रही हूँ। और थोड़ी देर में आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। हमारी गुड़िया रानी का हम आज आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड से फिर और जो आईडी प्रूफ्स चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वो सब आसानी से बन जाता है। इसलिए आज अपॉइंटमेंट लिया है, तो आज विल बी गोइंग देयर इन सम टाइम। फर्स्ट ऑटो राइड है आपकी, फर्स्ट ऑटो राइड है। कितनी खुश लग रही है, वाह। ये गोल गोल एंजॉय कर रहे हैं। क्या मजे हो रहे हैं फर्स्ट ऑटो राइड में, वाह वाह। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। हम घर आ चुके हैं, लंच वंच कर लिया, आप बैठे शांति से। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि कैसे आधार कार्ड फॉर द बेबीज़ कैसे बनवाया जाता है। वैसे मैंने तो अपना करीबन 9-10 साल पहले बनवाया था। सो बेबीज़ के लिए काफ़ी इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। और बिलीव मी देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू हेल्प यू और आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपके पास बेबी है, इतना टाइनी लिटिल बेबी, तो वो लोग जितना जल्दी हो सके आपको अपॉइंटमेंट मतलब एकदम टाइम पे देते हैं कि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े एंड ऑल दैट। सो इट वाज रियली अ स्मूथ प्रोसेस। सो बेसिकली वो लोग पहले एक फॉर्म देते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो अपॉइंटमेंट लेकर के फिर वो लोग फॉर्म देते हैं, वो आपको फिलअप करना होता है। सो दिस इज़ द फॉर्म, ये फिलअप करके वहाँ पे सब डिटेल्स दे करके, फादर की डिटेल्स लिख करके वहाँ पे दे देते हैं। और दिस इज़ द फॉर्म आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये तो हमें थोड़ी गड़बड़ कर दी थी नीचे, तो फिर हम उन्होंने हमें दूसरा फॉर्म दिया, तो ये हम घर ले आए। बेबी का तो कुछ और है नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो बर्थ सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ हम लेके गए थे। उसके बाद उसका फॉर्म भरा था। फॉर्म में फादर या मदर किसी की भी डिटेल्स डाल सकते हैं। और वहाँ पर जो आधार की ऑफिसर होती है वो सब आपका आईडी प्रूफ वगैरह चेक करती हैं। जिसका डिटेल डाला है, तो इसके फॉर्म में हमने उसके फादर का डिटेल डाला था, तो उनका आईडी प्रूफ चेक होता है। एंड देन बर्थ सर्टिफिकेट चेक करके फिर आते हैं फ़ोटो पे बात। अब इतने छोटे से बच्चे का फ़ोटो आप कैसे लोगे? दे ओनली क्लिक इट ओवर देयर। सो देयर इज दिस वाइट बैकग्राउंड in behind and you have to sit in front of it. So normally we would sit in front of it and then get clicked. और babies को फिर वो पीछे background भी आना चाहिए, and then they should be facing towards the camera and all that. So you have to hold it in that way that वो सब आ जाए। और उसमें फिर वो लोग they check they कितना मैच हो रहा है। सो दो तीन अटेम्प्ट्स के बाद फिर हमने, क्योंकि हमारी बच्ची ना सो भी गई थी वहाँ पर, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा था। हमारा 2:30 बजे का अपॉइंटमेंट था तो 3 बज गए थे अराउंड। सो उसका सोने का टाइम होता है वो दोपहर में, तो सो गई थी। फिर उसको उठाया तो नींद में उसका फ़ोटो लिया गया है और बस देन फ़ोटो क्लिक करके थोड़ा एक जो उनकी फ़ीस होती है वो पे करके आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिल जाती है। उसके बाद आप बस वेट करिए, आपका 7 to 10 बिजनेस डेज़ में आपका आधार कार्ड घर पे आना चाहिए। और फिर इस तरह का क्या बोलते हैं इसको, एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिलती है। तो इट्स जस्ट द रिसीट कि आपका आधार बाई चांस आपके एड्रेस पे ना आए, तो आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। एंड सी दिस इज़ द इमेज आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसको ऐसे पकड़ करके हमने फ़ोटो खिंचाई थी उसकी। और हाँ, काफ़ी इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस आई वुड से। एंड पीपल आउट देयर, जो हमारा आधार सेंटर था वहाँ पे, दे वर वेरी सपोर्टिव। इट वाज दिस बैंक कोटक महिंद्रा, तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखे। एंड इट एक्चुअली, वो सो रही थी थोड़ा सा, सोने के लिए वो रोती है, जब उसको नींद आती तब वो रोती है, तो उसको काम करवाने के लिए मुझे उसको आई हैड टू फीड हर। सो आई आस्क्ड देम कि यहाँ पर कुछ बेबी रूम है या कुछ कोई भी जगह है जहाँ पर आई कैन यू नो फीड माई बेबी। सो देयर वाज लिटिल टाइनी रूम और उन्होंने वो एम्प्टी कर करके एंड दे 10-15 मिनट्स के लिए मुझे दिया था। सो वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल अराउंड। दैट्स इट। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। अब नींद भी आ रही है, हम सोएंगे थोड़ी देर। हमारी गुड़िया रानी सो चुकी है, बिल्लू रानी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसमें इस ब्लॉग में कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि किसी को हेल्प कर सकता है, जो लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं अपने बच्चे का, या तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा। एंड वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग ब्लॉग कमिंग अप इन 1-2 days, बिकॉज उसका 6th month का बर्थडे आने वाला है। इट्स हर हाफ बर्थडे एंड वी आर गोना सेलिब्रेट इट, मतलब घर पे ही। तो something exciting coming up, so like this one first.